What's up guys, welcome back to another episode. Nora Fatehi versus Jacqueline fight is funny. क्यों है इनकी fight funny? देखते हैं थगेश का late night खबरें show होने वाले हैं. उसमें मेरे को link description में. Channel पे नए हो तो subscribe. Video कर दें. Like करोगे तो यार दोस्तों और लोगों तक पहुंचती है. करते हैं शुरू. Word to three. Let's go. Nora Fatehi and Jacqueline Fernandez और सुकेश भाई का लफड़ा तो आपको पता ही है. निकला तो मैं बता दूं. And video में आगे मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी सेल के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको एक ब्रांड न्यू iPhone 14 सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा. यस, लेकिन सबको नहीं मिलेगा. कैसे वो आगे बता दो, पूरा वीडियो देखना. कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक ऑफर दिया था. ठीक है, मैं खबरें हूँ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ. तो कॉनमैन सुकेश के केस में नोरा फतेही ने ईडी को बोला कि उसने उसको ऑफर दिया था कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उसको एक घर देगा, घर के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल देगा. गोल्ड डिगर को अमीरों का शिकार करते हुए देखा है, पहली बार अमीर को गोल्ड डिगर्स का शिकार करते हुए देख रहा हूँ. ये कैसा तरीका है गर्लफ्रेंड बनाने का सुकेश भाई? मतलब पहले उसको अच्छी रेस्टोरेंट में डेट पर लेके जाओ, मूवी दिखाओ, यू नो महंगी कॉफी पिलाओ, वेकेशन पे लेके जाओ, एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, फिर प्रपोज करो. एक मिनट. नोरा का कहना है कि सुकेश ने ऐसा ही एक ऑफर जैकलिन फर्नांडिस को भी दिया. कैश जोगिंदर रिलैक्स. और अगर नोरा ने जल्दी जवाब नहीं दिया तो ऑफर उसको चले आएगा. टेंडर भरने का नोटिस कब आ रहा है भाई? हमें कब मिलेंगे ऐसे ऑफर्स? ऊपर से जो दोनों को एक करने वाली एजेंट थी, जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने ये भी बोला था कि जल्दी करो वरना बहुत सारी एक्ट्रेस खड़ी है लाइन में. हाँ, ये ऑफर के लिए. ये कौन सी नौकरी दे रहे हैं? ऑफर सीमित समय तक जारी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. अरे यार, किसी ने स्कीम पढ़ी नहीं. वहाँ कॉन्वेंट सुकेश जेल में बैठे बैठे मजे कर रहा है, इधर सब लड़कियों को ईडी के चक्कर लगाने पड़ रहे. ये क्या लेडीज वर्सेस रिकी बेल का सीक्वल चल रहा है क्या? धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी. आई डू इट फॉर अ लिविंग, कॉल मी पाखंडी. अगली न्यूज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की. तो मोदी जी ने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अपने पार्टी मेंबर्स को बोला कि भाई इधर उधर की बातें करना बंद करो. ओके, पार्टी का जो हार्ड वर्क है इतने सालों से किया वो ओवरशैडो हो रहा है. कहा जा रहा है कि ये चीज मोदी जी ने बॉयकॉट पठान के कॉन्टेक्स्ट में दी है. प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है. साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता कारण ये फिल्माया गया गाना है. क्योंकि हाल ही में कुछ पार्टी के लीडर्स ने दीपिका ने जो कपड़े पहने थे उस पर बहुत सारे कमेंट्स दिए थे. तो सीधे शब्दों में मोदी जी ने कहा है कि सिनेमा पर कमेंट करना बंद करो, अपना जो काम है वो करो. इधर लोग हमारे नाम पे क्लिकबेट कर रहे हैं. मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया से लोगों को रोजगार मिले. यहाँ भाई फैशन डिजाइनर का रोजगार जाने पे मतलब प्रिंसिपल ने बोल ही दिया है तो लड़के लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, लकड़ी की काठी देखेंगे. बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी. मार देली खींच के. अक्खापुर डिस्ट्रिक्ट में एक 9 साल के बच्चे ने कॉल करके कंप्लेन फाइल कर दी. पता है क्या कंप्लेन? कि उसकी मम्मी उसे नहाने के लिए फोर्स कर रही है. हैवी ड्राइवर है लड़का. यस, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय. जो हम नहीं कर पाए वो तुमने करके दिखाया. रिस्पेक्ट बढ़ गया उसके लिए. हाँ, बाहर वेदर देख रहे हो, 3-4 डिग्री चल रहा है और उधर मम्मी उसकी बोल रही है कि ठंडे पानी से नहाओ. ठंडे पानी से एटलीस्ट गर्म का तो व्यवस्था करो. उसने भी नहाना यार, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करो. हाँ, यूपी और मुंबई के ठंडी का देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी हम ठंडे पानी से नहीं नहा पाते. सीन क्या हुआ, बच्चे को मस्त बाल कटाने जाने का था, लेकिन बच्चे को तो एकदम शाहरुख खान वाला कट करने का था. बाप ने बोला कि नहीं, नॉट पॉसिबल, और बच्चे के एकदम छोटे छोटे बाल कटवा दिए. फिर क्या, बच्चा फुल खुन्नस में घर पे आया और मम्मी ने जब बोला कि ना ले ठंडे पानी से, बच्चा बोला नॉट टुडे. यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द डे दैट यू ऑलमोस्ट कॉट कैप्टन जैक स्पैरो. भाई ने डायरेक्ट फोन उठाया और पुलिस को फोन लगा दिया. फिर क्या, पुलिस घर पे आई तो हंसने लग गए पुलिस वाले, बच्चे पे नहीं उसके माँ बाप पे, कि भाई ऐसा कैसा बच्चा पालना पड़ रहा है तुम लोग को. वहाँ यूपी पुलिस बैठी है कि यूपी में बहुत क्राइम है, आज क्राइम खत्म करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन नहीं, ब्रो हैड अदर प्लान्स. लेकिन तुम बच्चे की दुविधा देख रहे हो, बाल कटवा क्या है, उसे बालों की खुजली मंजूर है लेकिन नहाना नहीं. नहा लेता दोस्त, खुद गुस्से से इतना गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो जाता तेरे साथ. 9 साल का बच्चा इतना चिढ़ रहा है, बड़ा होके पक्का थारा भाई. जो एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे वेरी लव सेगमेंट में. एक बिहारी सबसे भारी. एक बिहारी सबसे भारी में आज बिहार हाइस्ट की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यस, 5-6 एपिसोड से चल रही है. आमतौर पे खेतों में से फल फूल जो भी है अनाज वनाज निकलता है, लेकिन बिहार के खगड़िया में खेतों में से क्रूड ऑयल निकलना चालू हो गया. और जैसे गांव वालों को खबर मिली कि खेत में से तेल निकल रहा है, सब अपना खांडा बाल्टी बिल्टी सब लेके आ गए भरने के लिए. बट एक्चुअली ये वाला हाइस्ट किसी की गलती नहीं है. मैं होता तो
मैं भी यही करता बेसिकली वो खेत के नीचे से क्रूड ऑयल की पाइपलाइन निकल रही थी, पाइपलाइन में छेद हुआ, पाइपलाइन फटा और खेत में से तेल निकलने लगा। धोखा हो गया रे, तेल की बजाय संदास का पानी निकल गया रे। फिर क्या पाइपलाइन बन गई ज्वालामुखी और गांव वाले बन गए अमेरिकन, तेल देख के सीधा। पूरे गांव ने बिहार में बैठे बैठे सऊदी अरेबिया वाला फील लिया, देख रहे हो। पुलिस वहां 4 घंटे बाद पहुंची लेकिन तब तक सब गेम हो चुका था। गांव वालों ने टोटल 1000 लीटर तेल चोरी किया। तुम तो प्रो निकले, बट ऑन अ सीरियस नोट, तेल पूरे खेत में फैल चुका था। कोई भी अगर थगलाइक बन के सिगरेट विगरेट जला के माचिस नीचे डालता ना, बंजर। दिस इज फाइन। और एक तेल चुरा के करोगे क्या भाई, वो उसको प्रोसेस करने की जरूरत है बाइक में डालने के लिए। ध्यान रखो भाई, कोई तेल पे स्लिप होके गिर गया ना, फिर वही तेल से मालिश करनी पड़ेगी। ठंडी है। बढ़ते हमारे साउथ वाले सेगमेंट में, चुम्बेश्वरी साउथ। तो आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक कपल को गुलू गुलू करते हुए पकड़ लिया। नहीं, ये मॉरल पुलिसिंग वाली न्यूज नहीं है। पुलिस ने इस कपल को किसी पार्क या पत्थरों के बीच से नहीं पकड़ा, चलती हुई बाइक पे पकड़ा। यस, लड़का बाइक चला रहा था, लड़की मस्त हक कर रही थी। ये तो सच में चुम्बेश्वरी साउथ हो गया। टू व्हीलर पे ऐसी किलर हरकत। देखो बच्चे लोग, ऐसे स्टंट ना ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ पे ही शूट करते, ओके? वो तो अच्छा हुआ ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम होता ना पेट्रोल टैंक पे बैठी हुई लड़की को मालूम पड़ता। हाँ मालूम है, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन लड़की को ऐसे आगे बिठा के कौन अंधा होता है। फिर क्या पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को बुलाकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग बिठाई कि भाई क्या है ये, क्या क्या है, शादी कराओ इनकी। मत करो भाई ऐसी ऊटपटांग हरकत है। ऊटपटांग हरकत से याद आया, हम बढ़ते हैं बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में। इंटरनेशनल छपरी, इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है पाकिस्तान की। अब ये न्यूज फ्रेम कैसे करूं मेरे को नहीं समझ रहा है, कि पाकिस्तान में एक आदमी के घर पे 60वें बच्चे ने जन्म लिया। ये 60th चाइल्ड। ये आदमी 60 बच्चों का बाप है, क्या कर रहा है भाई। सरदार हजी जान मोहम्मद खुद 50 साल के, लेकिन इनके बच्चे 60 है। दो तीन बीवी होगी। व्हाट, अज्यूम करता हूँ उन्होंने 21-22 की उम्र में शादी की, तो 50 एज 30 साल नहीं, बीवी ज्यादा होंगी, एक ही बार में 3-4 प्रेग्नेंट हुए भैया। हाँ आपने सही गेस किया, इनकी 3 वाइफ्स हैं और तीनों वाइफ्स के मिला के 60 बच्चे हैं, मतलब एक वाइफ से 20। भाई ये क्या हो रहा है, 20 साल से प्रेग्नेंट ही हो गया कंटिन्यूअसली। मतलब इमेजिन करो पिछले 30 साल से इस घर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट ही हो रहा है। देखो भाई हमारे इंडियन ब्लॉगर्स को आइडियाज मत दो, पता लगा भैया मेडिकल करते टाइम कोई फॉर्मूला हाथ लग गया क्या, सीक्रेट बता दो। इतना ही नहीं, जान मोहम्मद का एंड गोल है 100 बच्चे। लड़की देखने जाओगे तब लड़की पूछेगी हॉबीज क्या आपकी, तो क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन। बट मैं आपको बता दूं, ये रेस में ऑलरेडी एक पुराना खिलाड़ी है, युगांडा के मूसा की 12 पत्नियां और 102 बच्चे। यस, नहीं 568 पोता पोतियां भी है, एक अलग ही देश चला लेगा थोड़े दिनों में। भाई ने अकेले पूरा एक गांव बना दिया है। और भाई सुबह उठ के फ्रेश होने का काम करते हो या बच्चों का अटेंडेंस लेने का है, एक आध दो इधर उधर गटर में गिर गए मालूम भी नहीं पड़ता होगा इनको। पता है जान भाई का इंस्टाग्राम होता तो उनका बायो क्या होता, वंडरलस्ट, क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक है। यस, लेकिन वो घूम नहीं पाते क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, एंड इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक बस की डिमांड की है। बस मांगता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्रू स्टोरी। भाई साहब आपको बस की नहीं, बस करने की जरूरत है, बस करो। थांबा थांबा है। जान भाई 102 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ऑल द बेस्ट आपको, नहीं आपके पत्नियों को। बस इतना करना, जब भी आप अपने बच्चों को फोन दिलवाओ ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा देना डायरेक्ट। अगली न्यूज आ रही है असम से। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक राइनोसोरस ने टूरिस्ट पर धावा बोल दिया। गेंडा वोक अप एंड चोज वायलेंस। बस ना धो के सब लोग वाइल्ड लाइफ देखने गए, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने उनको देख लिया। उन्होंने ऐसा किया क्या कि इतने गुस्से में भाग रहा है वो पीछे, है ये थेपला वीपला डाल दिया था क्या खाने को। ऐसा नहीं लग रहा है, वो दो छपरियों के बीच मैटर हो रहा था ना, तो एक छपरी अपनी गैंग को लेके आता है। मेरे को तो एक कपल को देख के डर लग रहा है जिनके पीछे राइनो भाग रहा है। दबा दबा दबा, गौर गौर गौर। आंटी क्या धबा 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 लगा के रखा है। भाई पर्सनली मैंने तो गेंडों को हमेशा आलस में देखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नेशनल पार्क में कॉन्स्टेंटली आसपास टूरिस्ट लोग को देख के ये लोग की सटक जाती है। भाई न्यू फियर अनलॉक, इतना नजदीक
भाई एक जंप मारा सीधा आके बैठ जाएगा सबके साथ। कोई भी अगर नेशनल पार्क जा रहा है ज्यादा उनकी स्पेस में घुसो मत, ठीक है? वो तुम्हारी स्पेस में घुस गया ना तुम स्पेस में चले जाओगे। और क्या अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक आदमी ने अपनी फ्लाइट को डिले करने के लिए फेक बॉम्ब के थ्रेट दिए। यस, पता है क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और टाइम स्पेंड करना था। कर लो ज्यादा कुछ नहीं, 100-150 लोग वेट कर रहे हैं, कर लो। सिक्योरिटी तो पागल है वहां पर। पहली बात तो ये थ्रेट कॉल करना क्राइम है, दूसरी बात अगर लड़की के लिए कर रहे हो तो और भी बड़ा क्राइम है। दोस्त की लड़की के लिए कर रहे हो तो क्लास लगी होगी। तुम सोचो दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट में सब पैसेंजर को नीचे उतारा और सबकी तलाशी भी ली क्योंकि इसके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था। सबके लगेज की बराबर से चेकिंग की क्योंकि इसके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था। फ्लाइट कैंसिल हो गई 182 पैसेंजर की क्योंकि इसके। पता है पुलिस ने जब इस बंदे को अरेस्ट किया तो इसके दोस्तों ने क्या किया? भाग गए। भाग गए। एहसान फरामोश। प्लेन में बम फूटे ना फूटे, दोस्ती में जरूर बम फूट गए इनके, वो भी क्रिटिकल डैमेज के साथ। अगली न्यूज आ रही है देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक आदमी ने टाइल्स की दुकान से टाइल्स चोरी की एंड नहीं भागा, नहीं डांस करने लगा। ये डांस करने लग गया भाई। विक्ट्री डांस कर रहा था, पतली कमरिया पे रील बना रहा था। चोर को एक्चुअली दुकान में एक तिजोरी मिली और जब उसने तिजोरी का ताला तोड़ा तो उसको दुनिया भर का कैश मिला। लड़का बावड़ा हो गया, पागल हो गया और फुल नाचने बिचने लग गया। बात सही है भाई, पैसा सबको नचाता है। भाई ने वो सुना होगा जिस काम में मजा आता है वही करना चाहिए। जिंदगी और क्या है, बस यही पल दो पल की खुशी है, आए हैं नाच नाच। डांसिंग चोर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सीसीटीवी की निगरानी में कर रहा है। बन गया ना मीम। आमतौर पर लोगों को नाचने पे पैसे उड़ते हैं उनके ऊपर, इसको पैसे मिलने पे नाच रहा है। अब प्लीज देखो इसको वायरल मत करना ना, रियलिटी शो में बुलाकर हो जाएगा ये भी कच्चा बादाम जैसा। तुम लोग रिग्रेट का एक मस्त एग्जांपल देखना, ध्यान से देखो। जो डांस करने के बाद ना उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। जब सीसीटीवी कैमरा इसको दिखता है, दैट वाज द मोमेंट ही न्यू अब तो मैं वायरल। भाई साहब लग गई, भाई की तो लग गई उसमें लास्ट टाइम। ये वो उस टाइम खुश हुआ था ना बंदा कि आज तो मोटा हाथ मारा कई दिन तक फ्री। उसके बाद ने कहा It was this moment. उसने सीसीटीवी देख लिया था, बाद में देखा तब रुक गया वो। कैश से भरी तिजोरी हाथ लग गई उसके। एक वो सही है, वो क्रूड ऑयल की पाइप बाद में पता लगा तो फिल्टर करवाने पड़ता है। वो देखना 102 कितने बच्चे 102। अरे दूसरा भी लाइन में 60 तो कर गया। ये सोचिए कि भी कर गया पर पागल है, 3-4 होंगे उसमें भी। मतलब उसने सही बोला, देखा करो 20 या 22 साल में उसकी शादी हुई होगी, तब भी 60 के लिए बीवी 80 की होगी होगी। करते करते बच्चे पागल है, तू इतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। और एक वो सही कह रहा, पुलिस ने बोला इनका ब्याह करो। वो बंदे कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन बन रहे वाला उसका बैंग वाला स्टाइल। बाकी मस्त था ये वाला एपिसोड भी। और यूपी ओपी से क्या थी आज खबर? यही वाली नहीं, वो पेरेंट वो 9 साल के बच्चे ने पुलिस में कहा कि मम्मी रोज नहीं ला रही है, नहीं कह ठंडे पानी से, ठंडे पानी रोड की चर्बी से कुछ नहीं लगाया भैया, ऐसे वक्त में आपको घबराना नहीं है। पुलिस भी कह रही है यार क्या करना पड़ रहा है आजकल, पेरेंटिंग भी करनी पड़ रही है, क्लासेस भी। लेकिन मजा आता है मेरे को ये लेट नाइट खबरें शो में। और नूर फतेही वाला वो जो केस चल रहा है वो मुझे पता था अभी तक चल रहा है। और ये भी खबर आई थी कि उसने ये बताया था कि वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ये भी मैं पढ़ रहा था, उसने अपने को ऐसे इंटरव्यू किया मैं होम मिनिस्ट्री से आया हूँ। ले भैया क्या चल रहा है देश में, सरकारों के भी नाम लिए जा रहे हैं, तगड़ा स्कैम है बॉलीवुड तक। और फिर कई बार ऑफर कैसे दिया, वरना ये ऑफर जैकलिन के पास चला है, गर्लफ्रेंड बन जा वरना ऑफर। और जून की रिप्रेजेंटेटिव कह रही है और भी हीरोइनों को दिया ऑफर। ये कौन सा टेंडर चला रहा है, एक तरफा टेंडर, कह रहा रिक्वेस्ट भेज दिया इतना टाइम है एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारा नुकसान है, वरना किसी और के पास। आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।